NTAUGC नेट यानी इमेज नेट, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इमेज नेट प्रो पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ICT के अंदर टाइप ऑफ मेमोरी साइज। दोस्तों इसमें से पहले काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं और अलग अलग तरह से क्वेश्चन आते हैं, मेमोरी टाइप काफ़ी अलग अलग हैं दोस्तों, इन सभी के बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के इस वीडियो में हम स्पेशल 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं मेमोरी से रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे, इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ मेमोरी साइज के बारे में। आपने KB, MB, GB, TB ये सभी के बारे में सुना हुआ है, लेकिन इनके बारे में डिटेल से जानना हमें जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट के बारे में, बिट के बारे में। बिट को रिप्रेजेंट करते छोटे स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते, और इसका जो साइज है दोस्तों 1 और 0 है। इसके बाद में निबल आता है, निबल को N से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका साइज है 4 बिट्स होता है। उसके बाद बाइट्स आता है दोस्तों, बाइट्स को हम बड़े बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें 8 बिट्स होते हैं। उसके बाद किलोबाइट यानी कि केबी में 1024 बाइट्स होते हैं। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास मेगाबाइट एमबी से रिप्रेजेंट करते 1024 किलोबाइट होते हैं इसके अंदर। उसके बाद गीगाबाइट को हम जीबी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। आप ये दोस्तों ये सभी बेसिक चीज़ें आप सभी को पहले भी पता होगी, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए और इनमें से किस तरह से क्वेश्चन आए हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आगे हम बात करते हैं दोस्तों टीबी, 1 TB, टेराबाइट में होते हैं दोस्तों 1024 गीगाबाइट होते हैं। उसके बाद में है पेटाबाइट PB रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें होते 1024 टेराबाइट्स होते हैं। उसके बाद में एग्जाबाइट होते हैं, इसे EB से रिप्रेजेंट करते हैं और 1024 पेटाबाइट्स होते हैं। दोस्तों अभी तो जैसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए वो यहीं तक आए, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें तो आगे देख सकते हैं। GB बाइट्स होते हैं, ZB से रिप्रेजेंट करते 1024 एग्जाबाइट होते हैं इसके अंदर। UB बाइट्स YB से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर 1024 GB बाइट्स होते हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों इसके अंदर। और अभी जो मुख्य रूप से हम जो यूज़ करते हैं TB तक यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर वगैरह में, 1 TB, 2 TB, 3 TB इस तरह की मेमोरी साइज़ हम यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा यूज़ अभी चलन में नहीं है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों ट्रेडिशनल यूनिट की बात करते हैं, और इनमें से भी क्वेश्चन आए ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ट्रेडिशनल यूनिट के अंदर क्या है दोस्तों, केबी बाइट यानी कि किलो बाइट केबी को रिप्रेजेंट बाइनरी के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 की पावर 10 रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके अंदर बाइट्स कितनी होती है 1024, ये चीज़ हमने ऊपर पढ़ ली। आगे हम बात करते हैं दोस्तों मीबी बाइट यानी कि मेगा बाइट, इसको रिप्रेजेंट करते 2 की पावर 20 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बाइनरी के अंदर है दोस्तों, ठीक है। और इसका जो अगर हम इसमें देखें दोस्तों नंबर ऑफ बाइट्स कितनी होते, तो इसमें होती है 1048576 इतनी बाइट्स इसके अंदर होती है। आप ये काउंट करना चाहे तो इसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग में बस इतना ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो आएंगी पूरी की पूरी जो यूनिट है उसको ध्यान रखना ज़रूरी नहीं, आप इतना ध्यान रख के भी आंसर निकाल सकते हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों GB बाइट्स के बारे में बात करते हैं, इसकी बाइनरी यूनिट है
टू की पावर 30 है, और इसमें 1073 यहाँ पे देख सकते हैं ये इतने बाइट्स है। और एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि बाइनरी, देखिए यहाँ पे बाइनरी की बात चल रही है, बाइनरी के अंदर 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 20 है, 2 की पावर 30 है, 2 की पावर 40 है, 2 की पावर 50 यहाँ पे आ रही है, यानी कि 10 जो पावर है वो बढ़ती हुई आगे जा रही है। आप इस तरह से बिल्कुल आसानी से ध्यान रख सकते हैं। हम सभी को पता है एक चीज़, सबसे पहले के बी आता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले के बी आता है ये हम सभी को पता है, सबसे पहले के बी आता है, फिर एम बी आता है, फिर जी बी आता है, और फिर टी बी आता है। ये चार चीज़ हम बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। अब हमें कोई ये पूछ ले कि टी बी की बाइनरी, 1 TB इक्वल टू बाइनरी किसके होता है, तो उसको हम कैसे याद रखेंगे दोस्तों। देखिए टी बी कितने पे आता है हमारे पास, के बी 1, 2, 3, 4 नंबर पे आता है, तो 2 की पावर कितनी कर देंगे, 40 कर देंगे, यानी कि 2 की पावर 40 यहाँ पे हम कर देंगे। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से इसको याद रख सकते हैं, आप ट्राई करना दोस्तों, बिल्कुल आसानी से आप याद रख सकते हैं इसको। और उसके बाद भी हम बात करते हैं दोस्तों आगे हमारे पास, जैसे एग्जीबाइट ई बी 2 की पावर 60 और 2 की पावर 70 हो गया, जी बी बाइट यो बी बाइट हो गया 2 की पावर 80। तो इतना ज़्यादा डीपली ये नहीं पूछेंगे, ये जो क्वेश्चन पूछेंगे ये टी बी तक ही पूछेंगे, यहाँ तक ही पूछेंगे। और इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनमें से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं, इनमें से कई क्वेश्चन आए हैं आज तक, 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। अब देखिए इसमें 1 KB है, 1 KB को 100 से रिप्रेजेंट करते हैं, और 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा इसके अंदर। और उसके बाद में 1 MB की बात करें तो 10 लाख होगा, और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, 1 मिलियन कहेंगे, ये बाइट्स है दोस्तों इसके अंदर। ये हो गया 10 लाख हो गया। उसके बाद में हम बात करें हैं 1 GB की बात करें तो ये हो गया 1 अरब हो गया, और 1 अरब को इंग्लिश में कहेंगे 1 मिलियन। अब देखिए एग्ज़ाम के अंदर कैसे क्वेश्चन आएगा, वो ये पूछेंगे 1 अरब इज इक्वल टू 1 MB, 1 GB, 1 KB, किसके इक्वल टू होगा 1 अरब, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। और आगे हम बात करते हैं 1 TV, 10 खरब हो गया, और ये किसके इक्वल टू होता है, 1 ट्रिलियन के इक्वल टू होता है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी एक ट्रिक बताता हूँ आपको याद रखने की, ये देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, ये देखिए 1 MB, 1 MB की बात करें तो मिलियन हो गया, MB मतलब मिलियन, MM ये मिल गया, इन दोनों के साथ मैच हो गया। आगे हम बात करते हैं दोस्तों TB की बात करते हैं, 1 TB की, टी का हो गया ट्रिलियन, 1 T, देखिए TB मतलब ट्रिलियन, टी का टी के साथ मैच हो रहा है, तो ये 1 TV हो गया, 1 ट्रिलियन हो गया, 1 MB, MB हो गया, 1 मिलियन हो गया, और 1 GB हो गया, 1 बिलियन हो गया। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से इसको याद रख सकते हैं। और इसमें से जो क्वेश्चन आए ना वो मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। और उसके बारे में हम बात करते आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए एक और जो चीज़ है जो हमारा मेमोरी साइज से क्वेश्चन आता है वो मैं बताता हूँ आपको। ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्टेड कंप्यूटर मेमोरी टाइप फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोवेस्ट स्पीड, हाई स्पीड से लोवेस्ट स्पीड के अंदर हमें बताना है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, सबसे पहले आएगा CPU रजिस्टर, उसके बाद में कैश मेमोरी, उसके बाद में मेन मेमोरी, और फिर आएगा सेकेंडरी स्टोरेज, ये आएगा। देखिए मेमोरी साइज हमने ये किया था KB, MB, TB ये किया था, लेकिन इसके अलावा हमारा मेमोरी ये टाइप भी है मेमोरी का, ये भी आप अच्छे से ध्यान में रख लेना। और इसमें आप देख सकते हैं CPU रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये रख लिया। इसके बाद हमारे पास एक और डेटा स्टोरेज का टाइप आता है, वो और हम देख लेते हैं। ये देखिए इसके अंदर बिट्स, बाइट्स, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस, ये भी आप याद रख लेना दोस्तों, इसमें से करीब 2 बार क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। और उसके बाद में एक और जो कैपेसिटी के हिसाब से, स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से हम देखें तो वो होगा दोस्तों हमारे पास CD-ROM, DVD-ROM, ब्लू रे डिस्क। अब देखिए हम सभी को पता है CD है, CD के अंदर पहले हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे CD, DVD, तो हम सभी को पता है कि CD के अंदर कैपेसिटी बहुत कम होती है DVD के मुकाबले, तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो मैं आपको 2020 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं मेमोरी से रिलेटेड वो सभी दिखाता हूँ।
और दोस्तों हमने यहाँ पे आईसीटी के जो क्वेश्चन है वो अलग कर रखे हैं, रिसर्च के अलग है, टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से उच्चतम स्पीड की दृष्टि से कंप्यूटर मेमोरी की सही सूची कौन सी है, ठीक है? और इसका आंसर है दोस्तों, द्वितीय भंडारण, मुख्य मेमोरी, कैश स्मृति। ये इन्होंने यहाँ पे आंसर दे दिया। ये साइज़ की बात चल रही है दोस्तों, साइज़ की बात चल रही है। अगर स्पीड की बात कर लेते ना, ये स्पीड की बात करते तो कैश मेमोरी सबसे पहले आता, फिर मुख्य मेमोरी और फिर द्वितीय भंडारण आता, ठीक है? ये चीज़ आप ध्यान में रखना, यहाँ पे साइज़ की बात चल रही है। साइज़ की बात चलेगी तो सेकेंडरी स्टोरेज पहले आएगा, लेकिन अगर स्पीड की बात चले, स्पीड की बात आएगी तो कैश मेमोरी सबसे पहले आएगा हमारा। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, और उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि आगे इनमें से किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। और बहुत ही आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसानी से हम इसको याद रख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फ्लोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज मेमोरी कंपोनेंट इन द कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस पर बाइट ऑफ स्टोरेज। ये भी स्टोरेज के हिसाब से इन्होंने पूछा हुआ है दोस्तों, तो इसका आंसर हम देख सकते हैं, DACV। ये देखिए ये क्या आ गया, डी कैश मेमोरी। ये देखिए, ये इन्होंने बाइट्स स्पीड के बारे में बात इन्होंने यहाँ पे की है, और एक्सपेंसिव टू लेस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव टू लेस्ट एक्सपेंसिव के बारे में भी बात यहाँ पे कर रहा है। तो डी आएगा, कैश मेमोरी सबसे पहले आएगा, फिर ए आएगा DDRM रैम आएगा, उसके बाद में सी आएगा, सी हमारा SSD आएगा, फिर आएगा बी HDD हार्ड डिस्क ड्राइव आएगा। तो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों आगे जो क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड, हमारा मेमोरी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आए दोस्तों। अभी तो देखिए हम 2020 के ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसके अलावा हमने 2012 से लेके दिसंबर 2018 तक के भी क्वेश्चन अलग अलग किए हुए हैं, वो भी हम आपको करवाएंगे दोस्तों। अब ये देखिए, भंडारण इकाई के आकार में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब ये देखिए, टेराबाइट, पेटाबाइट, एग्जाबाइट, जेटाबाइट, ये आ गया ना। अभी हमने करके आया था TB हो गया, PB हो गया, और EB हो गया, और ZB हो गया। ये अभी हम करके आए, ये मैं आपको दिखाऊं, अभी दिखा देता हूँ आपको, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये है हमारा PB हो गया, ये देखिए, ये रहा, ये रहा, ये रहा हमारा। इसने पूछा हुआ है टेराबाइट पेटाबाइट, ये देखिए टेराबाइट पेटाबाइट एग्जाबाइट जेबाबाइट, ये हो गया, ठीक है? तो जेटाबाइट, सॉरी जेटाबाइट। तो ये है दोस्तों, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। इसके बाद में हम आगे और क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के अंदर आए हैं, और इसमें से तो वैसे क्वेश्चन नहीं आए हैं, हाँ इसमें इतना ही है दोस्तों। और इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि 2012 से लेके और दिसंबर 2019 तक भी हमने क्वेश्चन अलग अलग किए हुए हैं, वो भी क्वेश्चन हम आगे की क्लासेज में करवाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, हम धीरे धीरे करके सभी यूनिट्स कवर करवा देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे, न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे, इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है।